ये है वॉयजर 1, इंसान का बनाया हुआ सबसे दूर जाने वाला स्पेस एक्सप्लोरर। हमने इसे इतनी दूर क्यों भेजा? ताकि हम अमर हो सकें। इसके अंदर हमने 55 जुबानों में ग्रीटिंग्स भेजी हैं। Hello from the children of planet Earth. धरती के वासियों की ओर से नमस्कार। गौवाई हो मा, चुक गौवाई, हिंग ऑन, गिन हॉन, नमस्कार, विश्व शांति हो, चालवे थे कुई कुम को एस्टीस। हम जमीन के रहने वालों की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। पर किसके लिए? इस यूनिवर्स के घने अंधेरों में जब वॉयजर 1 अपना अरबों साल का सफर करने के बाद किसी ऐसी जिंदगी को मिलेगा जो हमसे अलग हो लेकिन हमें समझ सके। हम तब तक रहें या ना रहें, पर कोई तो ये जानता होगा कि इस छोटी सी नीली दुनिया में किस तरह के इंसान रहते थे। हमने इसमें वो सब भेजा है जो उन्हें बता सके कि हम कौन हैं, हमने क्या किया और हम इस कॉस्मोस में कहाँ रहते हैं और हमने कैसा म्यूजिक बनाया। इस गोल्डन रिकॉर्ड में बहुत से म्यूजिक के अलावा हजारों चीज़ों की आवाज़ें भेजी गई हैं। एक हाल ही में पैदा हुए बच्चे की आवाज़ से लेकर वेल मछली की आवाज़ तक। वॉयजर 1 को 1977 में लॉन्च किया गया था और जब ये अपने 13 साल के सफर में सारे प्लैनेट्स को पार करके हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी प्लैनेट नेपच्यून के पास पहुंचा, तो एक बहुत बड़े अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन, जो कि वॉयजर 1 की इमेजिंग टीम के मेंबर थे, उन्होंने आखिरकार नासा को इस बात के लिए मना ही लिया कि वॉयजर 1 जब नेपच्यून से आगे निकले तो उसके कैमरे पीछे करके अर्थ की एक आखिरी तस्वीर ली जाए। पर जैसे ही वो तस्वीर खींची गई उसने इंसानी सोच को हिला कर रख दिया। और कार्ल सेगन ने उस तस्वीर के बारे में क्या कहा? ये देखिए, ये हमारा घर है, हमारी अर्थ। यहीं वो लोग रहते हैं जिन्हें आप जानते हैं, प्यार करते हैं या जिनका कभी आपने नाम सुना है। आज तक जो भी इंसान हुए हैं उनकी जिंदगी यहीं गुजरी है। हमारी तमाम खुशियां और गम, खुद पर यकीन रखने वाले हजारों मजहब, तमाम नजरियात, पैसा संभालने और बनाने वाली बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, हर शिकारी और घुमक्कड़, सारे हीरो और कायर, सिविलाइजेशंस बनाने वाले और मिटाने वाले, सारे बादशाह और किसान, सारे माँ बाप और उम्मीदों से भरे सारे बच्चे, कुछ नया बनाने वाले, कुछ नया ढूंढने वाले, सही राह दिखाने वाले सारे टीचर्स, सारे करप्ट पॉलिटिशियंस, हर सुपरस्टार, सारे बड़े लीडर, सारे नेक और गुनहगार, वो सब जो हमसे पहले पैदा हुए हैं उनकी जिंदगी यहीं गुजरी है। पूरे यूनिवर्स में धूल के एक कण बराबर इस जमीन पर, इस बहुत बड़े कॉस्मोस में हमारी अर्थ की जगह बहुत मामूली है। फिर भी खून की उन नदियों के बारे में सोचिए जो कुछ जनरलों और राजाओं ने सिर्फ इसलिए बहा दी ताकि वो जंग में जीतकर इस तिनके जैसी अर्थ के मामूली से हिस्से पर काबिज हो सकें। उन बेशुमार जुल्मों के बारे में सोचिए जो यहीं किसी कोने में रहने वाले ने किसी दूसरे कोने में रहने वाले अपने ही जैसे लोगों पर किए। ये सारे लोग कितने ना समझ थे, एक दूसरे के खून के कितने प्यासे, आपस में किस हद तक नफरत करने वाले। मगर हमारा अंदाज, हमारा गुरूर, हमारा भरम कि हम इस यूनिवर्स में बहुत खास हैं, इस यूनिवर्स की गहराइयों के आगे चूर चूर हो जाता है। इस ना ख़त्म होने वाले यूनिवर्स में हम
अंधेरे में घिरे हैं और नहीं जानते कि हमें खुद से बचाने के लिए कहीं से कोई मदद आएगी या नहीं। हमें अब तक यही पता है कि सिर्फ इस ज़मीन पर ही जिंदगी है। आने वाले वक्त में ऐसी कोई जगह नज़र नहीं आती जहां हमारी प्रजाति जाकर बस सके। जा तो सकती है मगर बस नहीं सकती। आपको अच्छा लगे या बुरा, फिलहाल हम इस घर को छोड़कर कहीं और नहीं बस सकते। तभी तो कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी इंसान को रहम दिल और अच्छी शख्सियत वाला इंसान बनाती है। इंसान का गुरूर कितनी बेवकूफ़ी भरा होता है ये समझना हो तो हमारी ज़मीन की ये तस्वीर देखिए। मुझे लगता है कि हमें ये तस्वीर बताती है कि हमें ज़्यादा जिम्मेदारी दिखाते हुए इस हल्के नीले डॉट को बचाने और संवारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसके सिवा हमारा कोई और घर नहीं। ये तस्वीर हमारी अर्थ से 6 अरब किलोमीटर दूर से ली गई है। ये फासिला शायद आपको ज्यादा लगे पर ये तो कुछ भी नहीं। हम जिस सोलर सिस्टम में रहते हैं वो सोलर सिस्टम ही 287 अरब किलोमीटर बड़ा है और सोलर सिस्टम हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का इतना छोटा हिस्सा है कि अगर ये ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी पूरे यूनिवर्स में अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। देखा आपने हम कितने छोटे हैं पर हमारा गुरूर कितना बड़ा है। हमने इस तिनके जैसी ज़मीन के हज़ारों टुकड़े कर दिए, एक जैसे दिखने के बावजूद भी अपने दिल नफ़रतों से भर दिए। ना जाने कितनी खून की नदियाँ बहाई इंसानियत के नाम पर। मज़हब तो बेतहाशा बनाए पर उस मज़हब में भी हज़ारों फ़िरके कर दिए।